नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि 2500 रुपये सभी बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए जाएंगे, इसको लेकर यह अपडेट सामने आया है। आप यहां स्क्रीन पर देख पाएंगे तो ये जनसंपर्क विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहीं पर अपडेट हुआ है। बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए, प्रोत्साहन राशि का मतलब जो बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए अंतर विभागीय समिति की बैठक 12 फरवरी को हुई है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता अर्थात जो रोजगार विकास मंत्री हैं, देख सकते हैं यहाँ तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार शिक्षा मंत्री है उमेश पटेल, इसकी अध्यक्षता में बैठक किए गए हैं और ये निर्णय यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सामने आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ सरकार है, यहाँ प्रोत्साहन राशि देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हालांकि एप्लीकेशन करने का कोई फॉर्म अपडेट नहीं किया गया है और इसकी बैठक 12 फरवरी को की गई है, जिसमें कहा गया, बताया गया यहाँ कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था देख सकते, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीना 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। जी हाँ दोस्तों, कितना वादा किया था? 2500 रुपया, जो कि सरकार को 2.5 साल होने वाला है और हमें कोई पैसा अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। जी दोस्तों, अब 2.5 साल बाद इसके बारे में कोई अपडेट इस तरह से सामने आ रहा है। आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पाएंगे, यहाँ देख सकते हैं उच्च शिक्षा कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विकास मंत्री है उमेश पटेल जी, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की गई और गठित समिति में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं टीएस सिंहदेव और नगरीय प्रशासन मंत्री भी है शिव कुमार डहरिया भी शामिल हुए थे। अगर हम कहें तो 19 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवाएं हैं छत्तीसगढ़ में और इन्हें ही यहां देखेंगे तो 2500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का जो वादा किया था उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में पूरा किया जा सकते हैं। जी दोस्तों, इसके लिए कोई ऑफिशियल फॉर्म अभी तक नहीं भरा रहा है दोस्तों, हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। यही अपडेट बस सामने आया है CGDPR में और नवभारत के इस पेपर कटिंग में। आप देखेंगे तो ये जो पेपर कटिंग है ये 12 फरवरी का है दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूजन हो रहे हैं तो ना हो, ये 12 फरवरी का न्यूज पेपर का कटिंग है और जो हम आपको न्यूज बता रहे हैं ये जो न्यूज है ये न्यूज कब का है दोस्तों, ये न्यूज 11 फरवरी 2021 का। यहाँ आप देख सकते हैं 11 फरवरी 2021 का और 12 तारीख को बैठक हुआ था, उसके बाद 12 फरवरी को ही इसका न्यूज पेपर में प्रकाशन हुआ था। तो इस तरह से ये अपडेट आप देख सकते हैं, अगर जो बेरोजगार हुए हैं उन्हें दिया ही जाना चाहिए 2500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दोस्तों, वादा भी किया गया था जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, इस पर कोई भी अपडेट आता है आगे तब हम आपको एक वीडियो और बनाकर बता देंगे। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।